हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी है। उनका ये नाम नीलकंठ कैसे पड़ा, आइए आज आपको ये कथा सुनाते हैं। एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। क्षीर सागर में हुए इस समुद्र मंथन में देवता और राक्षस दोनों पक्ष अमृत प्राप्त करना चाहते थे। लंबे समय तक चले इस समुद्र मंथन में से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, उच्च श्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, कालकूट, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, धन्वंतरी, अमृत और कल्पवृक्ष, ये 14 रत्न निकले। जैसे ही धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर ऊपर आए, तभी राक्षसों ने समुद्र मंथन छोड़ धन्वंतरी जी के हाथ से वो अमृत कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर सभी राक्षसों को भ्रमित कर दिया और फिर चतुराई से ये अमृत देवताओं में बांट दिया। लेकिन समुद्र मंथन से केवल अमृत ही नहीं निकला था, उसके साथ निकला था कालकूट नामक भयंकर विष। इस विष की अग्नि इतनी तेज थी कि उसके बाहर आते ही वो अग्नि 10 दिशाओं को जलाने लगी। देवता और राक्षस भी उस विष की अग्नि से जलने लगे। ये विष इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर ये संसार पर गिर जाता तो ये संसार को खत्म करने की क्षमता रखता था। इस कालकूट विष को देखकर देवता और राक्षस सभी डर गए और वे इसका हल नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसे में सभी ने मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। शिव जी ने सभी की बात सुनी और बिना देरी करते हुए उन्होंने वो पूरा विष खुद पी लिया। लेकिन ये विष पीने के बाद उन्होंने इसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया और उन्होंने इसे गले में ही रखा। इस विष के कारण उनका गला नीला पड़ गया और यही कारण था कि उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया। कहते हैं इस विष की बहुत छोटी छोटी बूंदे जो धरती पर गिरी, उस विष के कारण ही बिच्छू, सांप आदि जीवों और कुछ वनस्पतियों में उस जहर के गुण आ गए और इसीलिए ये कुछ जीव विषैले हो गए। अगर महादेव इस विष का पान ना करते तो निश्चित ही संसार का अंत हो जाता। भगवान भोलेनाथ को महादेव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जहां देवता और दैत्य सब हार मान जाते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ महादेव ही काम आते हैं। हर हर महादेव।